हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का YPS रणौली स्टडी चैनल में। आज हमारी जो लॉकडाउन क्लासेस में पहली क्लास है, सही तरीके से अगर बात करें रेगुलर क्लासेस की, तो हम पहली क्लास की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने क्लासेस शुरू की थी, बट किसी कारणवश हम उस क्लासेस को प्रॉपर नहीं कर पाए, उसके लिए हम माफी चाहते हैं आपसे। बट मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद में हमारे जो क्लासेज हैं वो रेगुलर रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। इसलिए आज हम दोबारा से अपना जो चैप्टर नंबर 1 है, नंबर सिस्टम, को शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर अपन बात करें चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में अपन बात करेंगे, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से नंबर होते हैं। तो हमने क्लास 8th में या फिर उससे पहले क्लासेज में कुछ जो चीज़ें स्टडी की थी वो था आपका, सबसे पहले नंबर अपने पढ़े थे इंटीजर्स होते हैं। मैं बताऊंगा नहीं कि इंटीजर्स कौन से होते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। फिर हमने होल नंबर्स पढ़े थे, होल नंबर भी आपने पढ़े हैं इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये भी आपने पीछे क्लासेज भी पढ़ लिया था। नेचुरल नंबर मैं दोबारा बता देता हूँ, 1 से जो काउंटिंग शुरू होती है वो सभी नेचुरल नंबर में आते हैं। 0 से अपन काउंटिंग शुरू करते हैं, सभी काउंटिंग नंबर्स केवल की उनकी बात करूंगा मैं, वो होल नंबर में आते हैं। और इंटीजर में क्या आते हैं, सभी नेगेटिव नंबर और सभी पॉजिटिव नंबर्स। अब इनके बीच में जो नंबर आते हैं, अब इन सभी के नेचुरल नंबर्स के बीच में, होल नंबर्स के बीच में, इंटीजर्स के बीच में, जैसे 1.5 था, 2.5 था, 3.5 था, इन सभी नंबर्स को अपन क्या बोल रहे थे, रेशनल नंबर्स बोल रहे थे। इतना मैटर हमने पढ़ा था पिछले साल। रेशनल नंबर कौन से थे, ए नंबर विच कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू इज नोन एज रेशनल नंबर। अब देखिए, मैंने इस डेफिनेशन में एक छोटी सी मिस्टेक की है, आप खुद पहचान सकते हैं इस चीज़ को। देखिए क्या गड़बड़ की है, आपने पिछली क्लास में जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसको याद कीजिएगा। ए नंबर विच कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू इज नॉन एज रेशनल नंबर। बस देखिए, जो गड़बड़ की मैंने की थी वो क्या था कि पी अपॉन क्यू, अब इसके साथ में कंडीशन और दे रखी थी, वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर कंडीशन ये मस्ट है, जब तक आप ये क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं लिखोगे आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहेगी, कभी भी आपकी डेफिनेशन कम्प्लीट नहीं होगी। क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, डिनोमिनेटर जब अगर जीरो हो गया तो वहां पर वो नंबर आपका डिफाइन ही नहीं होगा, तो आप उसको रेशनल नंबर कैसे कह सकते हैं। तो रेशनल नंबर आप तभी कहोगे जब उसका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होगा। हाँ, न्यूमिनेटर आप उसका जीरो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, यहां तक ठीक बात। अब आगे की बात करते हैं अपनी क्लास 9th की। तो यहां तो हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया था कि ये नंबर थे जिसको अपन पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं वो क्या हो गए थे, रेशनल नंबर हो गए थे, यानी ये और ये इन दोनों के बीच का जो नंबर आ गया वो रेशनल नंबर हो गया, ये हमने पढ़ा था। लेकिन हम आपसे दोबारा पूछना चाहते हैं कि क्या हम सभी नंबर्स को पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात एग्जाम्पल लेता हूं, 1.33333, इसको मैं पी अपॉन क्यू में लिख सकता हूँ क्या। दूसरा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 1.3, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या। 1.234 इसको मैं लिख सकता हूँ क्या। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखते हैं, 2, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 8, 4 and this. तो इस टाइप के बहुत सारे नंबर्स आपके होते हैं, जो आपके एक तरह से डेसिमल एक्सपेंशन है इन सभी नंबर्स का। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, दो टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, मैं तुम्हारे से याद दिला देता हूँ। एक उसको अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जो कि ये वाला है। टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, वो डेसिमल एक्सपेंशन जो कि पॉइंट के बाद में आपका क्या हो, कुछ सर्टेन लिमिट के बाद में जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के टर्मिनेट हो जाए। वो मे बी एक डिजिट के बाद में हो जाए, मे बी मोर देन वन डिजिट के बाद में भी आपका टर्मिनेट हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसको बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन,
नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि जब अपन उसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद में वो कभी भी एंड नहीं होता, वो कंटिन्यूसली आगे से आगे आगे से आगे वो चलता जाएगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसको अपन बोलते हैं। तो ये वाला जो है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब अगर अपन बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के होते हैं। एक होता है रिकरिंग, मैं नाम लिख देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के होते हैं, एक होता है रिकरिंग, इसी का दूसरा नाम अपन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग भी उसको अपन बोल सकते हैं। ये जो दो टाइप हैं, ये दोनों कौन से के टाइप हैं, ये दोनों टाइप हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग के। और इसके अलावा जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग होता ही है, वो अकेला है, उसका कोई टाइप नहीं होता। तो ये दो टाइप का मतलब देखो, रिकरिंग या रिपीटिंग का मतलब क्या है कि एक ही एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, इट मे बी ए सिंगल डिजिट और इट मे बी ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स। कहने का मतलब क्या है, देखो यहां पर 3333 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यहां पर क्या कुछ रिपीट हो रहा है क्या, देखिए जरा, ये 234 234 234, इट इज ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स, तीन डिजिट है, 234 234 234, हमेशा एक ग्रुप में ये रिपीट हो रही है, तो ये भी क्या है, रिपीटिंग टाइप का। लेकिन यहां पे जरा चेक कीजिए आप, देखो 2 4 5 3 2 2 तो आ गया वापस, 1 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, इसका मतलब ये भी रिपीटिंग है, नहीं ये रिपीटिंग नहीं है। रिपीटिंग हम उसी को बोलेंगे जहां पर जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं तो फिक्स इंटरवल के बाद में रिपीट होनी चाहिए। जैसे यहां पर 2 आया तो 2 के बीच में 2 डिजिट आएंगे, तो आगे वाले 2 जो 2 आएगा उसके बीच में 2 डिजिट आएंगे, और सभी के सभी डिजिट सेम सेम नंबर आना चाहिए हमेशा। मैंने यहां पर बोला कि ये 2 4 5 3 आ गए तो आगे भी 2 4 5 3 आना चाहिए, जैसे यहां पर 234 आया तो आगे वाला नंबर भी क्या होना चाहिए, 234 ही होना चाहिए। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर अगर 2 4 5 3 है तो उसके बाद में भी 2 4 5 3 होना चाहिए। तो सब नंबर्स शुड बी रिपीटेड आफ्टर इक्वल इंटरवल, अगर इंटरवल अगर आपका इक्वल नहीं है तो उन नंबर्स को अपन आपका जो नॉन रिकरिंग में ही वो आएंगे। और हम यहां पर यह कह सकते हैं कि इस नंबर को अपन पी अपॉन क्यू में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं, इस नंबर को अपन पी अपॉन क्यू में लिखा जा सकता है, बट दिस नंबर कैन नॉट बी रिटन एज पी अपॉन क्यू। क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखो इसका तो बहुत सिंपल सा है, 13/10 कर देंगे। इसको कैसे करेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे, इसका भी बाद में डिस्कस करने वाले हैं, इसको क्यों नहीं करेंगे उसकी बात डिस्कस करते हैं एक बार के लिए। देखो क्योंकि भाई जहां तक अपने पास कोई अगर कोई फॉर्मूला पकड़ में ना आए, देखो इसका फॉर्मूला पकड़ में आया, पॉइंट का क्या नंबर आ रहा है, 2 3 4 आ रहा है बार बार, इतना ही चाहिए अपने को, तो यहां पर 3 3 आ रहा है बार बार, इतना ही चाहिए था अपने को। लेकिन यहां पर कोई फॉर्मूला पकड़ में नहीं आ रहा अपने, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं कि जब तक अपने को कोई फॉर्मूला नजर नहीं आएगा कि हम क्या फॉर्मूला यहां पे यूज में लें, तब तक हम उसको सोल्व नहीं कर सकते यहां पे। तो यहां पर हमारे पास में कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं आ रहा कि मैं कितने डिजिट बाद में कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, कितने डिजिट कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है या कौन सा नहीं हो रहा है। आगे का नंबर जैसे 4 आ गया तो 4 के बाद में क्या नंबर आएगा उसका क्या मैं कुछ बता सकता हूं कि कौन सा नंबर आएगा, मैं इस बारे में कोई भी जो बोलते हैं कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे नंबर जो है वो कौन सा नंबर आएगा। यहां पर मैं बोलता हूँ इसके आगे क्या आएगा, 3 आएगा जी, इसके आगे क्या आएगा, 2 आएगा, 3 फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 3 4 आएगा, 2 3 4 आएगा, यहां पर मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि पीछे जो चले हैं वो सीक्वेंस में नहीं चले हैं। इसलिए ये नंबर क्या है आपका, इसको मैं बोलूंगा इरेशनल नंबर बोलूंगा, ठीक है। ऐसे ही आपका रूट में जो भी वैल्यूज होती है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इरेशनल नंबर्स के, रूट 2 है, रूट 3 है, फिर रूट 5 है, रूट 4 नहीं है, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, फिर रूट 6 है, ये सभी क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। तो यहां पर मैं अब आपको इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बता देता हूं क्या होती है। देखिए इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज पी अपॉन क्यू, वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉन एज इरेशनल
नंबर, मतलब आपकी रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसमें एक केन के साथ में नोट और जोड़ दीजिए, आपकी इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बन जाएगी। इसका अपन एग्जांपल की बात करें, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, उसमें पॉइंट के बाद में जो वैल्यू है उसको रिपीट मत करना, 2.43215435682438292 आगे डैश डैश लगाना बहुत जरूरी है। डैश डैश नहीं लगाया तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और अगर टर्मिनेटिंग हो गया तो अपने आप ऑटोमेटिक किसमें चला जाएगा, वो रेशनल नंबर में चला जाएगा। तो आगे डैश डैश लगाना है, इरेशनल नंबर का सिंपल सा है, आगे डैश डैश लगाना है, और जो नंबर पॉइंट के बाद जो नंबर आएंगे उसको रिपीट नहीं करना है। कैसा भी नंबर आप लिख दो, कोई भी नंबर लिख दो, बिना फॉर्मूला के नंबर लिखना है, डायरेक्ट नंबर लिखना है, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, इरेशनल। उसके अलावा नंबर जो होते हैं इरेशनल में, रूट वाले सभी नंबर इरेशनल होते हैं, बशर्ते कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे रूट फोर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रूट फोर की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। रूट फोर क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए रूट फोर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। उसके अलावा अब आगे आने वाले वीडियो में हम इरेशनल नंबर के बारे में और स्टडी करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा रेशनल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो अपने आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का एक बेसिक वीडियो है कि चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।